नमस्कार, प्रथम खबर को स्वागत करछु मुनिलिमा। प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। पश्चिमबंग ओडिशा महाबात्या आईएमडी रो पूर्वानुमान 26 तारीख सकाळे पहुंचिबो। यस 25 रु प्रबल वर्षा सह पवन आशंका। एपटे संभाव्य बात्यार मुकाबला पाई विभिन्न विभाग रो सचिवों को प्रस्तुत रहिबा को एसआरसी को निर्देश। आज उत्तरप्रदेश में प्रधानमंत्री को कोरोना स्थिति समीक्षा। स्वास्थ्यकर्मी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के करीबे आलोचना। विशेषकर वाराणसी स्थिति उपरे रहिबो प्रधानमंत्री को नजर। स्वास्थ्यकर्मी को मनोबल बढ़ावा लक्ष्य। ब्लैक फंगस को नहीं स्वास्थ्य विभाग स्पष्टीकरण। महामारी घोषणा करा स्पष्ट कला स्वास्थ्य विभाग। कहला ब्लैक फंगस महामारी आईन अधीन आसुवा नोटिफाइड डिजीज। महामारी घोषणा नहीं उपजी द्वंद। देश में 50% लोक पिंधिना मास्क। थोड़ी और बेक झुलाई रखुंट बाकी 20%। 50-64% लोक पिंधुंट नाक तलू। चिंता व्यक्त कला केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय। महंगा दीप्तिकांत मर्डर केस रे काहीकि चुप महंगा पुलिस। 2014 रे गुली करी दीप्तिकांत को करा जैतला हत्या। 7 वर्ष परे परिवार को मिलुनी न्याय। मंत्री प्रताप जेना को चापरे पुलिस चुप बसीथिबा अभिजोग। खाद्य सुरक्षा योजना रे बड़ घोटाला। राज्य रे अछंती 2 लाख ऊर्ध भूत राशन कार्ड धारी। सूचना अधिकार आईन बल रे सामना कसला सांघातिक तथ्य। राशन हरिलुट को नहीं अनुसंधानमूलक रिपोर्ट। एवं कोरोना काल में स्वाभिमान अंचल रे केमिति चली शिक्षार गाड़ी। गोदाम घर पलटि स्कूल। केमिति ऑनलाइन रे पढ़ुंट पिला। मालकानगिरी अर्गस ग्राउंड रिपोर्ट। आसुची बात्या नेपारे भीषण रूप। 26 तारीख सकाळे पश्चिमबंग ओडिशा उपकूल रे पहुंचिबो। यस 25 तारीख रु आरंभ होइछिबो बात्यार प्रभाव। प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हाबा सहित पवनर बेग मध्य बढ़िबो। एनी पूर्वानुमान करछि भारतीय पाणिपाग विभाग। एपटे संभाव्य बात्यार मुकाबला पई राज्य रे आरंभ होइछि प्रस्तुति। एसआरसी विभिन्न विभाग रो सचिवंक सहित आलोचना करि प्रस्तुत रहिबाकु निर्देश दैछन्ति। संपर्क में अधिक सूचना पाई रही बालेश्वर आम प्रतिनिधि प्रकाश महांती। प्रकाश, यस जेहेतु आसुची वो खासकर यहाँ जेहेतु उत्तर पश्चिम दिग दिए गति कर कि ओडिशा एवं पश्चिमबंग बर्डर दे यहाँ जीव। तेणु स्वाभाविक तो उत्तर ओडिशा भितर बालेश्वर अधिक प्रभावित होवार संभावना रही है। तेणु से दृष्टि बालेश्वर जिला प्रशासन रस कि रही बर्तमान प्रस्तुति। निश्चित नीलमा, देखो जो कथा कहे जो संभाव्य बात्या यस को लेकिन बर्तमान गोटे पटे महारिणी महामारी एवं अन्य पटे जो यस ये नहीं जिला प्रशासन पर गोटे बड़ चैलेंज सृष्टि हो। कहीं जितेबाला कोरोना महामारी चली समय आउ एक बोझ यदि आसिक लदी हो जाए जिला प्रशासन पर मुख्य चैलेंज हो। कितु गत काली जिला प्रशासन पक्षर समस्त जिलार वरिष्ठ अधिकारी विधायक मान सहित जरूरी बैठक एवं सहित एसआरसी सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मध्य आलोचना होगा पर जिलापाल समस्त ब्लॉक रो वीडियो मानकु निर्देश देचंती के समस्त इमिति अलर्ट रहिबे एवं तत्पर रहिबे। जो जिलार बात्या आश्रय स्थल गुड़िक अच्छी सेगुड़िक कौभ भाव तार मरामति हो पार सेठार आवश्यक जिनस किमी रही पार एवं तार कथा नहीं निर्देश देते। द्वितीय कथा हूँ जितेबाला महामारी अच्छी ये सब लोक मैंने जब आम कह पाखापाखि जब बात्या हुए संभाव्य बात्या तो पखापाखि जिलार उपकूलवर्ती जो अंचल गुड़िक अच्छी गाँव गुड़ी अच्छी पाखापाखि 1.5 लाख लोक पाखापाखि इवाकुएसन हो पारती तो एक आउ एक चैलेंज सृष्टि कर जिला प्रशासन पर। कहीं गोटे पटे महामारी कोरोना अच्छे जिते लोक मैंने अणाजी रखा जो बात्या स्थल गुड़िक अच्छी तार स्थित कथा जिला प्रशासन पक्ष समस्त अफिसर मान निर्देश दी। गत काली अग्निशम विभाग कथा कहतु एनडीआरएफ कथा कहतु ओडराफ कथा कहतु एसबू विभाग जो अधिकारी मैंने सह आलोचना करते जिलापाल जिलापाल कड़ा निर्देश देते से सजग रहापी समस्त को पूरा कड़ा निर्देश दिया जाए। कौन सी प्रकार जिनस अच्छी आवश्यक सामग्री अच्छी यदि अभाव न देखा जाए दि जाए वही समय कौन सी प्रकार असुविधा को बरदास्त करना सब अधिक प्रभावित को अंचल आसुची बालेश्वर से जगह
जिला प्रशासन प्रस्तुति केमती रही अंपटे जो लो लाइन एरिया रही सेमती किसी परिस्थिति जिला प्रशासन को निर्देश आसी कि लोक स्थानातर कर बोली खासकर बात्यार मुकबिला जो भाई भाव में शुखिला खाद्य कहतु कि रिलीफ सामान कथा कहतु से नहीं किसी प्रस्तुति बर्तमान आरंभ हो कि ना अपेक्षा करवर्त निर्देश को निश्चित भाव नीलिमा देखो ए नहीं कि जिला प्रशासन पक्ष गत दुई दिन हम घन घन बैठक बसुच्छी जिलार समस्त अधिकारी जदि बात्या यस आसे तो बेस जिलार सबुठ बे तलिया अंचल आम जो कथा कह भोगराई बालियापाड़ बस्ता सदर ब्लक रेमुणा ब्लक और बाहानगा ब्लक विशेष यही सब अंचल बेस क्षतिग्रस्त होता है तो से आम कथ कह यही सब अंचल पखापाखी देढ़ लक्ष रु ऊर्ध लोक को इवाकुएसन करलर्ट जारी करूँ बर्तमान पर्यटन से भाई कौन से निर्देश दि जाए ना लोक स्थानातर करने कि समस्त अधिकारी रखाई शुखिला खाद्य होंडेल हो समस्त प्रतिकूल परिस्थिति को सामना करने जिला प्रशासन प्रस्तुति आरंभ कर प्रस्तुत भी रही है केवल अपेक्षा बर्तमान परवर्त निर्देश को धन्यवाद प्रकाश रेखलाम प्रतिनिधि प्रकाश महांति अच्छा परवर्ती खबर को उत्तर प्रदेश कोरोना स्थिति समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से जोगाजोग करेंगे विशेषकर वाराणसी डाक्टर पारामेडिकल कर्मचारी और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारी सहित कोविड मुकाबला प्रस्तुति नहीं प्रधानमंत्री करेंगे आलोचना पूर्वर मध्य अनेक थर वाराणसी कोरोना स्थिति नहीं प्रधानमंत्री आलोचना करते वर्तमान उत्तर प्रदेश में कोरोना ग्राफ तलमुहा होता बेले प्रधानमंत्री को समीक्षा बैठक स्वास्थ्यकर्मी मनोबल वृद्धि कर आशा रही सेबे ब्लैक फंगस महामारी ने द्वंद्व सृष्टि पर स्पष्टीकरण रखी राज्य स्वास्थ्य विभाग ब्लैक फंगस को महामारी घोषणा कर स्पष्ट कला स्वास्थ्य विभाग ब्लैक फंगस महामारी आईन अधीन आसुवा नोटिफाइड डिजीज ब्लैक फंगस को महामारी घोषणा नहीं उपजी द्वंद्व देशर अधा लोक मास्क पिंधुना थोड़ी बेकरे झुलाई रखुंट आउ बाकी 20% आउ बाकी 50-64% लोक नाक तल को पिंधुचंती जहाँ को नहीं चिंता व्यक्त करछि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय देशर अधा लोक मास्क पिंधुनांती थोड़ी रे ओ बेकरे झुलाई रखुचंती बाकी 20% बाकी 50-64% लोक नाक तल को पिंधुचंती 50 केवल 14% लोक उचित भावे मास्क पिंधुचंती कोरोना महामारी देश को कबलित कर रखी थे भी देशर अनेक लोक एवं भी सतर्कता अवलंबन करूना एक अटक अनुसार देश में मोट जनसंख्यार अधा मास्क पिंधुना जीक लोक मास्क पिंधुंट से 64% मास्क तो पिंधुंट किंतु केवल पार्टी को आवृत करक खोला रुचि 20% लोक थोड़ी और 2% लोक बेकरे मास्क पिंधुंट मास्क पिंधुवा लोकों मध्य मात्र 14% लोक ठीक भाव में मास्क पिंधुंट केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय जुग्म सचिव लव अग्रवाल आज भी देश के 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं जो पहनते हैं यानी कि जो 50% लोग मास्क पहनते हैं उसमें 64% लोग माउथ को कवर करते हैं लेकिन नोज को नहीं कवर करते कुछ लोग उसको चिन पर लगा कर रखते हैं कुछ लोग मास्क को गले पर लटका कर रखते हैं केवल 14% उस 50% यानी कि करीब केवल 7% लोग ही देश में जिन्होंने प्रोसेस तो शुरू किया लेकिन वो उसको तरीके से कर रहे हैं आज जरूरी है हम आपके द्वारा फिर से विनती करें कि जो गाइडलाइंस हमारी हैं इससे पहले हमने कई बार कहा है इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आप 90% एफर्ट कीजिए आप 10% एफर्ट मत कीजिए आपका आउटपुट जीरो है आप 99% एफर्ट कीजिए आप एक पेशेंट को छोड़ दीजिए जो प्रिकॉशन ना ले तो वह सिंगल केस फिर से पूरे एरिया में इन्फेक्शन फैला सकता है सेबड़े संक्रमितों को संख्या बढ़िबारे लागिछि या को नै चिंताजनक परिस्थिति सृष्टि होइछि ओडिसा समेत अनेक राज्य रे लॉकडाउन पूरी फेरिछि किछि राज्य रे दृढ़ नियम लागू करा जाइछि ए भितर अधिकांश विशेषज्ञों कहिबा कथा हैला लोकंकर अवहेला कोरोनार बढ़ुतबा मामला पछरे कारण होइ पारे अधिकांश लोक मास्क ही पिंधु नाहांती जो माने मास्क लगाउछंती सेमाने अधा ही मास्क पिंधुछंती जहाँ नहीं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर चिंता व्यक्त करा तेरे लोकों एभली अवहेला मध्य केमी काबू हेबो कोरोना आतंक ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
महंगा दीप्तिकांत मर्डर केस्रे काहीकि चुप महंगा पुलिस 2014 गुली करी दीप्तिकांत को हत्या करले दुर्बृत्त। सात वर्ष पर भी न्याय मिललानी दीप्तिकांत परिवार को। से माने अभियोग करिसेंति मंत्री प्रताप जेना को लोक हत्या करितबारो पुलिस चुप रही। सात वर्ष हला न्याय पई लड़ई करिसेंति दीप्तिकांत भाई और भाउज। मंत्री प्रताप जेनांक पिला बोली प्रशांत राउत मंत्री प्रताप जेनांकर खास लोक होइथिबारु पुलिस निर्देश क्रमे प्रशांत चार्जशीट को नार काटिगला। सात वर्ष पर भी मिललानी न्याय हत्याकारी को सुरक्षा देउछंती कि मंत्री प्रताप जेना महंगा बाजपुर दीप्तिकांत परिवार मागुचि न्याय। फेब्रुआरी 28, 2014 समय राति प्राय 9 एक बाइक रे निज सांगों सहित घर को फेरुथिले दीप्तिकांत साहू। गोपालपुर छक आउ एक बाइक रे दुई जन आसिले तांको ऊपर को फायरिंग कले 3 राउंड रो फायरिंग। जीवन चली गला दीप्तिकांत परिवार लोकों अभियोग अनुसार हत्याकांडर मास्टरमाइंड थिला प्रशांत कुमार राउत उर्फ नंडा। चार्जशीट रु नंडार ना काटिदेला पुलिस ताकु गिरफ करागला नहीं। अन्य माने भी बेल पाइगले पुलिस खसाई देला नंडा को कारण से हेउछि पावरफुल मंत्री प्रताप जेनांकर खास। विभिन्न सभा समिति रे प्रताप को सह प्रशांत अभियोग होइछि प्रताप को इशारा रे सतेबेले नंडा को खसाई देथिला पुलिस। पुलिस 4 जन को गिरफ करथिला मुख्य अभियुक्त प्रशांत कुमार राउत उर्फ नंडा को पुलिस गिरफ अरेस्ट कला नहीं। प्रशांत को एफआईआर रखिला सीडी रे रखिला चार्जशीट रे ना को काटिदेला जेहेतु से शासक दल सहकर्मी थी 2014 तार भाई बहु स्टैंडिंग शासक दल स्टैंडिंग सरपंच थिला। एतिकरे शेष हेला नहीं दबंगिरी पुणी दीप्तिकांत घरे निया लगाई देले दुर्बृत्त। दुई बखरा जली पड़ी गला ये हेउछि सेई समर दृश्य। एई कांड भी नंडा और तार सहयोगी घटाइथिबा अभियोग होइछि हेले सबु जानिबी पुलिस चुप। यहाँ भय दीप्तिकांत परिवार गाँ छाड़ी जाए छतिया छस 10 दिन पर बेल आसिले एक विशाल शोभा प्रशांत राउत उर्फ नंडा निर्देश कर्मे से दिन रात मो घर को निया लगे जाड़ीदे। तापर दिन मो स्वामी दिलीप कुमार साहू महांगा थाना लिखित अभियोग करते पुलिस कहारिक गिरफ्त कला ना। एबे बड़ प्रश्न 7 वर्ष पर भी कहीं मिललानी न्याय कहीं नंडा विरोध रे हेला नहीं आक्शन। दीप्तिकांत परिवार लोकों अभियोग को कहीं ग्रहण करागला नहीं। मंत्री प्रताप जेना चापरे चुप रहिला कि महंगा पुलिस केबे मिलिब दीप्तिकांत परिवार को न्याय। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस। स्वागत। कोरोना द्वितीय लहरें देश और राज्य कबलित एभली एक घड़ीसंधि मुहूर्त में कलाकार माने भी बहु असुविधार सम्मुखीन होती। सेने सिनेमा किंबा सीरीयल सुटिंग जेहेतु बंद रही घर रही समय बहु कलाकार भी रोजगार हर असुविधा रही। एभली समय भुवनेश्वर स्थित पटिया मुख्य कार्यालय ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट पक्षर सफदर हस्मी नेतृत्व में 50 रु ऊर्ध कलाकार सुखिला खाद्य बंटन कर। नमस्कार मु कहु कंपम भारी खुशी लगला जे ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट सफदर हासिम जी सार अच्छा सी ए कोरोना जो दुर्विपाक पड़ी असहाय कलाकार मान को खोजी जो मैंने अभाव असुविधा भितर अच्छा से डाकि खाद्य पुड़िया दे मिनिमम जहाँ दौरान मत लगला गोटे सिंगल लोकर बोधे मसे देस 2 मास जिनस निहाती नित्य व्यवहार सामग्री बहुत बहुत धन्यवाद देवी सारे उदार पणिया को एवं आशा करी जे एम सब कलाकार सुखर दुखर था बहुत बहुत धन्यवाद हासिम सर थैंक यू। लास्ट इयर भी करोना समय आम बहुत बहुत साहय करूँ पुणी बर्तन करोना आसला सेकेंड इयर बर्तन यहाँ मारात्मक बहुत लोग असुविधा अच्छा ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट हाराटी 60,000 लोक एपर्तंत सारा भारत में डाई किट्स दे सारी ओडिशा 15 दिन हे 1,000 ऊर्ध किट्स आम बांटि सारी एवं आहरी 1,000 ऊर्ध किट्स आम खोर्धा डिस्ट्रिक्ट पूरी डिस्ट्रिक्ट लोक बांटू। 4-5 दिन तेज़े मुझे टी मध्यम देखे पारि कलाकार कम ना से हरा तेणु मुझे श्वेतम बाबू पप्पू पंपा को फोन कली भाई मुझे शुणी कथ सत कि ना कथ सत कथ अच्छी आप परिचय किसी लोक अच्छा जो मैंने निडी
ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ପଠାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ପଠାଇଲେ ହାରରେ 50 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ତ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ଅଛି, ଜାରି ରହିବ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, କରୋନା ଅଛି, ଏ ପ୍ରୟାସ ଆମର ଜାରି ରହିବ। କୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଖାସ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଖାଇବା ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଉତ୍କଣ ଫ୍ରି ଫୁଡ୍। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ। କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନବେଳା ହୋଟେଲରୁ କିଣି ଖାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଇବା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଗରିବ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଖାଇବା କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠ ଫ୍ରି ଫୁଡ୍। ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଆଜିକୁ 10 ଦିନ ହେଲା ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଖାପାଖି 300ରୁ 400 ରୋଗୀଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। ଆଜି 9 ଦିନ ହେଲାନ ଉତ୍କଣ୍ଠ କମିଟି ବାଲେ ବରଗଡ଼ର MB ସୁରେଶ ଆସିକରି ଆମକୁ ସବୁ ଖାଇବାର ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ତଥା ବରିଷ୍ଠ BJP ନେତା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଉତ୍କଣ୍ଠ ଫ୍ରି ଫୁଡ୍ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି 9ମ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ସବୁ ଏଡମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଜନ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଯୋଗାଇ ଦେବାର କାମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଲାଗି ବି ଆସିଥିଲି। ଏବଂ ଏଇ ଅବସରରେ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ପରିଜନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଥିଲି। ତାଙ୍କର ପରିଜନ ଯେ ହିଂସାରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଲେ କେତେ ଦିନ ହେଲା, କାଁ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ସେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭଳିଆ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠ ଫ୍ରି ଫୁଡ୍ ତରଫରୁ ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ମେଡିକାଲର ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।